साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होम साइंस 10th और 12th दोनों क्लास के लिए एक ही इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन की शक्ल में मैंने आपके लिए तैयार करें उर्दू में NIOS क्लास 10th और 12th का होम साइंस के। वैसे तो हम बुक्स अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हर चैप्टर के जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको इसमें से पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर देखा जाए तो ये 14 पेजेस में है और इतना लंबा, बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं इनके और पेपर डायग्राम तरह के। तो हम इसमें पढ़ना शुरू करते हैं नोट्स से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और कर सकें। तो सबक नंबर एक के अंदर जो हम पहले पढ़ना है वो सबसे पहले NIOS सबक नंबर एक होम साइंस 10th और 12th। सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आता है वो आता है सवाल नंबर एक के रोज़गार किसे कहते हैं। रोज़गार किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई काम करते हैं और उससे हमें आमदनी होती है तो उसे रोज़गार कहते हैं। समझे, ऐसे नहीं हम कोई काम कर रहे हैं आमदनी नहीं हो रही तो वो रोज़गार नहीं कहलाएगा। और रोज़गार में जो आमदनी होती है वो लगातार होती है, ऐसे नहीं कि एक बार आमदनी हो गई फिर फ्री में, नहीं। जैसे आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो काम तो हो रहा है मिलने जाना, लेकिन उसमें आमदनी नहीं होगी तो वो रोज़गार नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम के पर्पज़ से कहीं जा रहे हैं, कहीं जो है क्या नाम है, आप ड्यूटी देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं वो रोज़गार कहलाएगा। इसी तरह आप अपने घर का काम से कुछ सौदा सरफ लेने जा रहे हैं तो वो जो है काम नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस ये है कि आप अपने घर का काम कर रहे हैं, उसमें आमदनी कोई हो रही है, उसमें तो उल्टा खर्च हो रहा है, तो वो आमदनी रोज़गार नहीं कहलाएगा, बल्कि वो रोज़गार कहलाता है जो उसमें आमदनी। जैसे मान लीजिए कोई फल वाला फल बेचता है या क्या नाम है कोई और काम है दुनिया में हज़ारों, उनमें जो आमदनी होती है उसके ज़रिए वो चीज़ें जो है रोज़गार कहलाती हैं, जिसके ज़रिए हमारी कुछ आमदनी हो। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसके ज़रिए हमारी कुछ आमदनी हो वो रोज़गार कहलाती है। अब रोज़गार की जो है दो किस्में पाई जाती हैं, मतलब रोज़गार की जो है दो तरह के होते हैं। मतलब अगर हम रोज़गार को दो हिस्सों में बांटें तो दो किस्म के होते हैं, एक होता है खुद रोज़गार, एक होता है तनख्वाहदार रोज़गार। खुद रोज़गार और तनख्वाहदार रोज़गार, ये दो किस्में जो हैं रोज़गार की होती है। तो ये आपके लिए पहला सवाल था इसका, रोज़गार किसे कहते हैं, और इसका जवाब भी आप इसी तरह बस इतने पॉइंट्स में लिख दिएगा और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो वो पॉइंट भी इसके अंदर फिट कर सकते हैं। अब इसका जो है अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर दो है तनख्वाहदार या मुलाजिम रोज़गार किसे कहते हैं। मतलब मुलाजिम या तनख्वाहदार दोनों बात ही एक ही है, ब्रैकेट में इसी वजह से दे रखा होता है या मतलब होता है कि तनख्वाहदार यानी मुलाजिम रोज़गार किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है तनख्वाहदार मुलाजिम के मानी है दूसरे आदमी के लिए काम करना और अपनी मेहनत का मुआवजा लेना। बिल्कुल सही बात है, तनख्वाहदार मुलाजिम के मानी यही है कि हम जो है दूसरे आदमी के लिए काम करते हैं और उसके बदले जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले हमें कुछ वो पैसे दे देता है। मान लीजिए एक जो है कपड़े की शॉप से उसमें 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो मेहनत मजदूरी करेंगे उसके बस जो उनको पैसे मिलेगा वो उनकी क्या कहलाएगी, तनख्वाहदार। बहुत से ऑफिस में लड़के काम कर रहे होते हैं, बहुत से स्टाफ काम कर रहा होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी का मालिक तनख्वाहदार नहीं होता, बल्कि उसमें करने वाले लोग जो होते हैं वो तनख्वाहदार कहलाते हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और उसके इवज़ में उनको जो है कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 जो भी XYZ है वो उनको तनख्वाह की शक्ल में दिया जा रहा है, मेहनत का मुआवजा, तो वो कहलाता है तनख्वाहदार या मुलाजिम। और इसमें इसके अगला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, क्या अगला पॉइंट इसका, अगला पॉइंट है उसे फ़ायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, अब अगर आप यहाँ कहीं जॉब करेंगे तो आपको उससे क्या मतलब, आपको तो जो काम दिया जा रहा है आप वो करेंगे, चाहे उसमें दुकानदार का फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपको तो अपने वक्त पे जो आपका महीना पूरा हो जाएगा तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, क्योंकि उसे फ़ायदे और नुकसान से कुछ लेना देना नहीं, उसे अपने काम से लेना देना होता है, क्योंकि वो तनख्वाहदार मुलाजिम है। अगर वो नुकसान और फ़ायदे से लेन देन करेगा तो फिर तो बेकार है उसका काम करना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है कारोबार शुरू करने के लिए उन्हें दौलत की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, अगर आप जो है किसी के यहाँ जॉब करने जा रहे हैं तो आपको दौलत की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप जो है क्या नाम है एक जर्नल स्टोर खोला, किसी का जर्नल स्टोर खुला हुआ है, उसको जो है हेल्पर की ज़रूरत है ताकि जो है ग्राहक ज़्यादा आते हैं
ताकि वो उसका हाथ बटा सके। तो उसमें जो है उसे वो कोई है कि क्या नाम है भाई उसके, भाई आप भी जो है 50,000 रुपये खर्च करो हमारे साथ और फिर जो होगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो तो बस डायरेक्ट जाएगा और जॉब पे लग जाएगा उसके यहाँ और काम करे ना शुरू कर देगा। उसे पैसों की ज़रूरत कोई होगी, पैसों की ज़रूरत तो उसे होगी, जो मालिक है उसे उस वो लगाएगा ना पैसे, वो तो सौदा सलाब उठा उठा के देगा, तोल तोल के देगा, ठीक है। तो उसे दौलत की ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट है, कारोबार शुरू करने के लिए उन्हें दौलत की ज़रूरत नहीं होती। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो बड़ा प्यारा पॉइंट है, आदमी जब चाहे रोज़गार छोड़ के दूसरे में जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लगा काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, या उस आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं है, बर्ताव अच्छा नहीं है आपके साथ, तो ये आपके अंदर चॉइस है कि आप उसे छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपको जो है करना ही करना है, जो करना है, क्योंकि ये तो आप तनख्वाहदार हैं, एक जगह छूटा दूसरी जगह लग गए, दूसरी जगह छूटा तीसरी जगह लग गए, तीसरी जगह छूटा चौथी जगह लग गए, तो इसके अंदर जो है ये नहीं होता कि बंदा एक ही जगह फिट हो जाता है। आदमी जब चाहे छोड़ सकता है और जब चाहे दूसरे रोज़गार में जा सकता है। तो ये इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। पहला, दूसरा, तीन, चार पॉइंट है, ये चार पॉइंट आप अपने हिसाब से कर लिए और देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट बनाया जा रहा है, मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद है अगला सवाल इसी का, और अगला सवाल के साथ साथ बता दूँ इसका आखिरी भी सवाल है इस सबक के अंदर, सबक नंबर एक में होम साइंस एंड IOS उर्दू का 10th और 12th का सिर्फ तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगे, और ये हमेशा आते भी हैं इन्हीं में से। तो आप अगर इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे, आपके लिए सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाते चले आएंगे, अगर आप इन्हीं की भी तैयारी कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आप वीडियो को लाइक भी करते रहा करें। तीसरा जो सवाल है, खुद रोज़गार किसे कहते हैं? खुद रोज़गार का मतलब होता है कि अपना रोज़गार, खुद रोज़गार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी अपना बिजनेस, उसे कहते हैं खुद रोज़गार। तो चलिए इसमें पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं। खुद रोज़गार का मतलब है आप अपने काम के खुद मालिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने काम का खुद मालिक है, नफे नुकसान का खुद मालिक है। खुद रोज़गार का मतलब हुआ आप अपने काम के खुद मालिक हैं, आप ऑनर हैं उसके। मतलब ये नहीं कि आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं या जो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आप अंडर में काम नहीं करेंगे, ये है खुद रोज़गार। उसे आप खुद चलाते हैं और उसका फ़ायदा भी आपको ही होता है, मतलब आप उसे खुद चलाते हैं। खुद चलाने का मतलब ये है कि आप नौकर चाकर उसमें रखते हैं, कारीगर रखते हैं उसमें, एम्प्लॉय रखते हैं, लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि आप उन सब के ऑनर होते हैं। एक तरह से आप उनके ऊपर ऑर्डर देते हैं, आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं जो आप जो उन्हें काम करने को कहते हैं, और आप उसे खुद चलाते हैं, कैसे हैंडल करना है, किसको कब क्या देना है, कहाँ से कितने पैसे आने हैं, कहाँ कितने पैसे जाने हैं, कौन सी चीज़ कितने की है, कौन सी चीज़ कितने की नहीं है, सारे। तो आप उसे खुद चलाते हैं और उसका फायदा, उसे ज़्यादा फ़ायदा होने पर ज़्यादा दौलत मिलती और नुकसान होने पर उसे नुकसान सहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी कंपनी है, अगर उसे करोड़ों रुपये का मुनाफा होता है तो आपको ही होगा, उसकी दौलत आपको ही मिलेगी और आप भी उसका फ़ायदा उठाएंगे, और अगर नुकसान होता है तो भाई नुकसान भी सहने के लिए आप तैयार रहेंगे। लेकिन ये तो खुद रोज़गार की बात है, अगर मुलाजिम होता है या तनख्वाहदार होता है तो उसे नुकसान नहीं झेलना होता, उसे तो बस अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। और इसमें आपको तनख्वाह से मतलब नहीं है, बल्कि फ़ायदा होगा, ज़्यादा दौलत मिलेगी आपको, खूब पैसे होंगे। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो नुकसान सहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसमें रिस्क वाला काम होता है, क्योंकि बिज़नेस बना ही रिस्क से है। अगर आप इसमें रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अच्छे बिजनेसमैन को हमेशा रिस्क लेना पड़ता है जब भी वो बिज़नेस आगे बढ़ता है। उसे जो है बेवक्त चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, बेवक्त उसे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर वक्त आने पर उसको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है, इसे दौलत का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। ये इसे या उसे दौलत का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये कोई आपके बिज़नेस में कोई लगाएगा और आप फ़ायदा उठाएंगे, नहीं नहीं, बल्कि आपको अपने बिज़नेस में खुद ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही फ़ायदा उठा रहे हैं और खुद ही नुकसान उठा रहे हैं, और आप खुद ही मालिक हैं तो ज़ाहिर बात है आप खुद ही उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे। उसे दौलत का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है, खुद ही इन्वेस्ट के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं।
और जो पांचवा बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, खुद रोज़गार का मालिक आसानी से अपना कारोबार छोड़कर दूसरे कारोबार में नहीं जा सकता है। सही बात है, अगर आप जो है अपना बिजनेस शुरू कर रखा है तो आप अपना कारोबार छोड़ के एकदम से तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका पर्सों पुराना टिका हुआ हो सकता है, 20-20 साल, 30-30 साल पुराना कारोबार, तो उसको एकदम आसानी से आप छोड़कर नहीं जा सकते, बल्कि उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लगे रहना पड़ेगा, उसमें जुड़े रहना पड़ेगा, जब जाके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए अहम पॉइंट बता दिए, किस तरह से आप जो है अपना ये तैयार कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में थे जो कि मैंने आपके लिए तैयार कर दिए। उम्मीद है कि ये एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक चैप्टर के नोट्स की, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप हमसे NIVA सिग्नू और DU के एडमिशन, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9136182233 है। और देखिए मैं पहली बात बता दूं, कभी आप बाद में कॉल करें उसे परेशान हो, ये जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह हैं ये पेड होते हैं, आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत नॉमिनी चार्ज होंगे, बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें बनी बनाई, मतलब आपको सिर्फ नोट करनी होगी, आसानी से उतारनी। शुक्रिया वीडियो को समझने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू।